हिमाचल के ज्वाली में जिला प्रशासन कोरोना को लेकर कड़े इंतजाम कर रहा है। बॉर्डर पर आगामी दिनों में इस तरह से व्यवस्था की जाएगी कि बिना मास्क आने वालों को वापस भेज दिया जाएगा, साथ ही ऐसे लोगों का चालान कर जुर्माना भी लगाया जाएगा। सरकार की ओर से रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने की बात कही गई है। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। इस दौरान आवश्यक सेवाओं सहित शादियों को लेकर क्या सिस्टम होगा, किस तरह से परमिट मिलेंगे, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि डीसी राकेश प्रजापति पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि लोगों से ये अपील है कि अपना ख्याल रखें और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उनकी अनुपालना करें। आने वाले दिनों में बाजारों की रूटीन चेकिंग की जाएगी। बता दें कि जिला कांगड़ा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हर दिन 50 से 100 के लगभग लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और 15 से 16,000 के लगभग टेस्टिंग की जा रही है। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान, कांगड़ा की रिपोर्ट। आप अगर देख रहे हो तो कांगड़ा में, मंडी में, कुल्लू में और शिमला में जो लगातार है मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या एहतियाती कदम उठाया जा सकता था उसके ऊपर कुछ फैसला सरकार के द्वारा आज लिया गया है। लिखित तौर में अभी ये जो फैसले हैं वो जारी नहीं किए गए हैं। आने वाले समय में जैसे ही ये फैसले हमारे पास आते हैं उसके लिए धरातल पर उतारने के लिए जो जो भी कार्य करने की जरूरत है, जो भी रणनीति बनाने की जरूरत है, उस पर काम किया जाएगा। देखिए, पहले भी जब लॉकडाउन लगा था और उसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जिस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी ताकि उसको हम धरातल पर उतार सकें, और ऐसे में जब अब स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद करने की बात की जा रही है, ऐसे में हमारी कोशिश रहेगी कि स्कूलों का हम प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकें, और साथ ही हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो स्कूल के प्रबंधन हैं, जो इस तरह के शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन हैं, उनसे भी मेरा गुजारिश रहेगा कि 31 दिसंबर तक की कोई भी कोताही न बरती जाए और जो हमारे बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ न किया जाए। नहीं देखिए, पहले भी जब लॉकडाउन लगा था तो हमारे बॉर्डर्स पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई थी और साथ ही हमारे जो नाके हैं वहाँ पर पुलिस का इंतजाम इस प्रकार से था कि कोई भी अंदर आने जाना बिना किसी वजह से आ जा नहीं सकता था। ऐसे में इसी प्रकार के प्रबंध आने वाले समय में किए जाएंगे ताकि जो लोग बिना मास्क के अंदर एंट्री कर रहे हैं उनको किस तरह से वापस भेजा जाए, क्या चालान किया जाए या किस प्रकार का जुर्माना लगाया जाए, जैसे भी सरकार का निर्णय होगा उसके हिसाब से आने वाले समय में जिला कांगड़ा में भी कार्रवाई होगी। नहीं, इसमें देखिए, अगर सरकार के द्वारा ये निर्णय हुआ है और रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक अगर हमें कर्फ्यू लगाना है तो इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, और जहाँ एसेंशियल सर्विसेज हैं या जैसे अभी शादियों की बात हो रही थी कि शादियां रात को लोग एक जिले से दूसरे जिले में भी जाते हैं, ऐसे में क्या सिस्टम होगा, किस प्रकार से परमिट्स मिलेंगे, क्या होगा, इसके बारे में रणनीति आज बनाई जाएगी। और इसी एवज में आज SP साहब और CMO साहब के साथ आज थोड़ी देर में बैठक होने जा रही है और आने वाले समय में जो भी हमारा निर्णय होगा वो आपके साथ आपके माध्यम से साझा किया जाएगा। देखिए, कांगड़ा जिला में लगभग 4,350 के आसपास केसेज आ चुके हैं और 102 डेथ्स हो चुकी हैं। लगातार हर दिन अगर आप आंकड़े देखें तो 50 से 100 के बीच में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। लगभग 15,000 से 16,000 के आसपास हम टेस्टिंग कर रहे हैं। ऐसे में जो आंकड़े हैं नीचे की तरफ नहीं जा रहे हैं। जो सेकेंड वेव जिसकी हम बात कर रहे थे वो जिले में चला हुआ है और ठंडी में आमतौर पर भी लोगों को शिकायतें रहती हैं, तो ऐसे में जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और मेरी बार बार लोगों से गुजारिश है कि लोग अपना बहुत ख्याल रखें और साथ में जो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हैं उसको इन टोटो फॉलो करें। तो इसमें हर पहलू पर विचार किया जाएगा और हर पहलू पर एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी को ढील देने की जरूरत थी और खोलने की जरूरत थी, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें चल पड़ी थी। अब जैसा कि मामले बढ़े हैं और सरकार द्वारा फैसला किया गया तो आने वाले समय में बाजारों की भी रूटीन चेकअप हो गए और जो हमारी शादियाँ हैं उनको भी हम चेक करेंगे और आने वाले समय में हम इंश्योर करेंगे कि जो इस प्रकार की गाइडलाइन आई है और जो कर्फ्यू की गाइडलाइंस आने वाली हैं उसको हम किस तरह से धरातल पर उतार सकते हैं उसके लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.